मुल्क की दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को पार्लियामेंट ने दफन कर दिया। इस्लामाबाद में डॉक्टर फिरदौस आशिक आबान और सेनेटर फैसल जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा सियासी जमातें मुल्की मफाद के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी तरामीम मुल्की मफाद की खातिर वापस नहीं। अपोजिशन ताबीरी अपोजिशन का किरदार अदा करे। मजीद कहा 2020 आम आदमी की मुश्किलात के खात्मे का साल है। पार्लियामेंट से इस अमेंडमेंट का, इस कानून का पास होना इस बात की निशानदेही करता है कि हम सियासत के महाज पे, सियासी इश्यूज पे इख्तलाफ राय रखना जमहूरियत का हुसन है और सियासी जमातें, सियासी हरीफ एक दूसरे पे तनकीद करते रहते हैं और सियासी महाज पे पंजा आजमाई भी करते रहते हैं, लेकिन जब मुल्क की कौमी सलामती की बात आती है, मुल्क के कौमी मफाद के लिए कौम उनकी तरफ देखती है, तो फिर तमाम सियासी जमातें अपने उन सियासी मफादात को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान के साथ आके खड़ी हो जाती हैं। ये इंतहाई कौमी मफाद की लेजिस्लेशन थी और सिक्योरिटी मामलात से जुड़ी थी और जब ये अदालत का फैसला आया था तब से हम कह रहे हैं कि इसमें कोई मसला नहीं होगा और ये बड़ी खुशाइन बात है कि यूनानिमसली ये जो है पास हुई और इसी तरह हम उम्मीद करते हैं कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की तरफ जाए। अपोजिशन कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन ये तामीरी अपोजिशन ये है कि जहां इश्यूज के ऊपर गवर्नमेंट गलत जाए उसकी तस्हीह करे और जहां ठीक जाए उसका साथ दें।